जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल से जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देते हैं और जो भी बात होती है वो क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप चैनल से जुड़ेंगे, कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे महा उपाय की, एक ऐसे महा उपाय की बात करेंगे जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। इस उपाय पर सभी चीज़ें इफेक्टेड होती है और सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम उस महा ज़्यादा वीडियो को आगे न करते हुए हम उस महा उपाय पर आते हैं। पहले महा उपाय नंबर है कि जो भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखता है, पूरी ईमानदारी रखता है, उन लोगों का कभी भी कोई अहित नहीं होता है। छोटी सी बात है कि हम हमारे माँ बाप को सही नहीं रख पाते, खुश नहीं रख पाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत मतभेद होना कि हमारे पिता ने हमें ये नहीं दिया या ये नहीं किया या वो नहीं किया, ये सभी चीज़ें यहाँ आने के बाद जन्मी हैं। इससे पहले इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो पहली बात है कि अपने माता पिता, माँ हो पिता हो, उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करें, उनको अच्छे से रखें, क्योंकि उन्हें अच्छा रखने से ईश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए माँ बाप पहली प्राथमिकता है। अब दूसरी बात इसमें यह होती कि चार भाई होते हैं या दो भाई होते हैं, माँ बाप क्यों भटक रहे होते हैं? क्या कोई एक भाई आप ये कोशिश नहीं कर सके माँ बाप, पिताजी या माता मेरे यहाँ हमेशा यहीं रहेंगे? अब ये हो सकता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता यहाँ, तो वो कभी वहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वो उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी भी प्राथमिकता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि उन्हें बहुत अच्छे से रखा जाए। तीसरी कंडीशन ये होती है कि महिलाओं की अगर किसी भी बात को लेकर विवादित स्थितियाँ होती है, और इसमें असमंजस का एक विषय खड़ा हो जाता है कि माँ रखूँ या पत्नी या तमाम चीज़ें हो जाती, या पिता और पुत्र की कई बार अनबन हो जाती है, लेकिन बहू है उसी की, नहीं हम हमारे सासुर जी को या सासू को बहुत अच्छे से रखेंगे, तो ये जब भी ऐसे टिपिकल कंडीशन पड़े तो इसमें एक अंडरलाइन जरूर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप पहली प्राथमिकता है, उनकी सेवा मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद विवाद, झगड़े, नोकझोंक सब चलती रहती है, ये एक अंडरलाइन बना लें। लेकिन इस अंडरलाइन को क्रॉस करना मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला हो या पुरुष, उसके लिए गलत है। माँ बाप चाहे लाख सही हो गलत हो, वो उस पर हम निर्णय लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे जीवनदाता हैं, उन्हीं की बदौलत हम यहाँ और इतना सोच विचार, ये जितना भी साम्राज्य आप खुद के लिए बनाया है आपने, वो बना पाए हैं। वो जड़ है, वो आपका वैभव है, वही आपकी इज्जत है और वही तमाम चीज़ें हैं। सबसे बड़ा महा उपाय यही है कि अपने माँ बाप की आपको सेवा करना है, उन्हें बहुत अच्छे से रखना है, हाउ मैनी कैसी भी कंडीशन हो, चाहे आपके पास कुछ हो या नहीं हो, उसके बाद भी जो भी हो आपके, उन्हीं सीमित संसाधनों में उन्हें खुश रखना है आपको। अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से कोशिश करना चाहिए। देखिए, वो सब ईश्वरी सत्ता है, वो ईश्वर के हाथ में। ये बहुत बड़ा महा उपाय है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। जय महा।